ए ट्रांसफर करता है अपना हाउस बी को गिफ्ट डीड के माध्यम से, और उस सेम डीड में वो बी को कहता है कि तुम्हें अपने शॉप को सी को ट्रांसफर करना होगा। क्या कहा गया? ए एक पर्सन है हु इज ट्रांसफरर, जो हाउस को ट्रांसफर करता है बी को गिफ्ट डीड के माध्यम से, और उस सेम डीड में बी को कहता है कि ये जो हाउस है ये तुम्हें तभी जाएगा जब तुम अपने शॉप को सी को ट्रांसफर करोगे। यहां पे अगर आप ध्यान दो तो बी हैज पुट टू इलेक्शन, बी को अब इलेक्ट करना है। उसके पास दो ऑप्शंस, दो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, या तो वो इस ट्रांसफर को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर ले, और यदि वो इस ट्रांसफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो हाउस उसके पास आ जाएगा, और साथ ही साथ उसे क्या करना होगा, अपने शॉप को सी को ट्रांसफर करना होगा। या तो वो एक्सेप्ट कर ले या तो वो इसे डिनाई कर दे। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। यानी अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या होता है, तो इलेक्शन का मतलब होता है टू मेक चॉइसेस, आप अपने चॉइस को एक्सेप्ट करते हो, या यू आर हैविंग द ऑप्शंस अवेलेबल, आपके पास वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आप किन्हीं एक ऑप्शन को चूज करते हो। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 35 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे, जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के प्रोविजंस को होल्ड करता है। आइए समझते हैं। तो अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के रिलेशन में देखें, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का मतलब है वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू अ पर्सन, जहां प्रॉपर्टी को या जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है, एंड हु ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी उसे हम ट्रांसफर कहते हैं, और जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा वो ट्रांसफर ही होगा। तो जब ट्रांसफरर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है ट्रांसफरी को, तो ट्रांसफरी के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, या तो वो इस ट्रांसफर को एक्सेप्ट कर ले या तो इसे कंप्लीटली डिनाई कर दे। इट मींस ट्रांसफरी हैविंग टू ऑप्शंस अवेलेबल, आइदर टू एक्सेप्ट द ऑफर और टू डिनाई इट, यानी उसे इन दोनों ही ऑप्शंस में से किसी एक को इलेक्ट करना है। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अब देखो, इन केस मान लो जो ट्रांसफरी है वो ऑफर को एक्सेप्ट करता है, इन केस ट्रांसफरी इज एक्सेप्टिंग द ट्रांसफर, तो ट्रांसफरी को अलोंग विथ टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफर उसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी बर्डन को भी लेना पड़ता है। ऑलराइट, जैसे मान लो, अब जैसे मान लो इस एग्जांपल में ए ट्रांसफर कर रहा था हाउस किसको, बी को गिफ्ट डीड के माध्यम से, तो अगर बी ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो उसके पास ये हाउस आ जाएगा, तो इसे एक बेनिफिट तो मिला, लेकिन साथ ही साथ आप देखो इसके ऊपर बर्डन क्या है, बर्डन ये है कि इसे अपने शॉप को सी को ट्रांसफर करना होगा। तो यदि आप किसी अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसका बेनिफिट आपके पास जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको बर्डन भी बियर करना होगा। ऑलराइट, अब एक केस है आपका धनपति देवी वर्सेस देवी प्रसाद, ये एक लैंडमार्क केस है और बेरैक में भी ये केस दिया हुआ है। इस केस में तीन कंडीशंस बताए गए और कहा गया कि अगर हमें डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को एप्लीकेबल करना है तो दीज थ्री कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। कौन कौन से कंडीशंस हैं? देखो, पहला कहता है ट्रांसफरर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी विच इज नॉट हिज ओन, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में जो ट्रांसफरर होता है वो जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है वो उसका नहीं होता है, यानी ही इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ट्रांसफरर इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑलराइट, और क्योंकि वो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं है
इसलिए उसके पास क्या है, ही इज नॉट हैविंग द राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। लेकिन वो यहां पे क्या कर रहा है, ही प्रोफेसेस टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। वो क्या करता है, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए प्रॉमिस करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग का जो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा देते हैं और बदले में कोई कमीशन ले लेते हैं। तो यहां पे भी जो ट्रांसफर है वो एक एजेंट की तरह काम करता है, और वो जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होता है, पहला कंडीशन। दूसरा देखो, ट्रांसफरी हैव टू मेक हिज चॉइस आइदर टू एक्सेप्ट कंप्लीटली और रिजेक्ट इट कंप्लीटली। और यहां पे जो ट्रांसफरी होता है उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो ट्रांसफर को कंप्लीटली एक्सेप्ट करे या तो कंप्लीटली डिनाई कर दे इन सेम कैपेसिटी। जैसे मान लो ए ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को बी को गिफ्ट डीड के माध्यम से, तो मान लो अगर बी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसे प्रॉपर्टी तो मिलेगी, साथ ही साथ उसे अपने शॉप को सी को ट्रांसफर करना है। यानी अब ऐसा नहीं है कि जिस पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन में उसे बेनिफिट हो रहा है वो केवल उसी पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को ले और जिसमें उसे नुकसान हो रहा है वो उसे डिनाई कर दे। नो, यदि वो किसी ऑप्शन को ले रहा है तो उसे कंप्लीटली ले, यदि डिनाई कर रहा है तो उसे कंप्लीटली डिनाई करे। राइट, इफ ही इज एक्सेप्टिंग द ऑफर तो उसके पास हाउस तभी जाएगा जब वो अपने शॉप को सी को ट्रांसफर करेगा, तो उसे क्या करना है, कंप्लीटली ऑफर को एक्सेप्ट करना है। अगर डिनाई करता है तो कंप्लीटली डिनाई करना है। तीसरा कह रहा है, ट्रांसफर गेट्स बेनिफिट अगेंस्ट ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। अब देखो, ए कौन है यहां पे, ए यहां पे ट्रांसफरर है लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, इसका नहीं। बी कौन है, बी है ट्रांसफरिंग, इसको बेनिफिट कब मिलेगा, इसको बेनिफिट तभी मिलेगा जब ये अपने शॉप को सी को ट्रांसफर करेगा। तो यहां पे कह रहा है ट्रांसफरी गेट्स बेनिफिट अगेंस्ट ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी। यहां पे भी क्या करना है, यहां पे ट्रांसफरी को भी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है किसी थर्ड पर्सन को। ऑलराइट, क्योंकि यहां पे क्या है, थर्ड पर्सन कौन है, सी है, और बी को अपना शॉप जो है वो सी को ट्रांसफर करना है, और जब वो अपने इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा तभी ये ट्रांसफरिंग ट्रांसफर के बेनिफिट को ले सकता है, तभी इसके पास प्रॉपर्टी आएगा। ऑलराइट, तो अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन में देयर आर टू ट्रांसफरीज, यहां पे क्या होते हैं, दो ट्रांसफरी होते हैं। ऑलराइट, ओके, तो ये तीन कंडीशंस दिए गए थे धनपति देवी वर्सेस देवी प्रसाद में। अब देखो, आपके वेयर एक्ट में बहुत डिटेल में डिस्कशन दिया गया है, बहुत डिटेल में बताया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या है और टेक्निकल वर्ड्स हैं। हम यहां पे एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे केवल इंपॉर्टेंट और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को लिखा गया है, और एग्जाम में अगर आप ऐसे ही लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। राइट, तो यहां पे हम जो बेयर लैंग्वेज है हमारा उसमें से कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स को लाया गया है जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को शो करते हैं। देखो, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दिस डॉक्ट्रिन कह रहे हैं, पहला, ट्रांसफरर प्रोफेसेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन। यहां पे क्या होता है, ट्रांसफरर जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं होती है, पहला एलिमेंट क्लियर। दूसरा, बेनिफिट लाइज ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो बेनिफिट है वो प्रॉपर्टी के ओनर को जाता है। यहां पे आप देखो, प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, प्रॉपर्टी का ओनर है बी, क्योंकि बी को अपना शॉप किसको ट्रांसफर करना है, सी को ट्रांसफर करना है, तो ओनर ऑफ द शॉप इज बी, और क्योंकि ये ओनर है इसलिए इसको बेनिफिट जाएगा। राइट, तो बेनिफिट लाइज ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तीसरा देखो, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, ये क्या होना चाहिए, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन होना चाहिए। यानी मान लो ए ट्रांसफर कर रहा है हाउस को बी को गिफ्ट डीड के माध्यम से, और कह रहा है उसी ट्रांजेक्शन में कह रहा है, उसी डीड में कह रहा है कि आपको आपके शॉप को सी को ट्रांसफर करना है। दिस व्हाट इट इज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, दैट हाउस इज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन।
अब मान लो ए इस हाउस को किसी दूसरे ट्रांजैक्शन के माध्यम से बी को देता, तो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पे बी को इलेक्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो जो हाउस है वो दूसरे चीजों के लिए उसे दिया जा रहा है। राइट, तो ये क्या होना चाहिए, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तीसरा क्या, चौथा क्या कह रहा है, देखो कह रहा है ओनर्स ड्यूटी टू इलेक्ट इन सेम कैपेसिटी। ये ओनर का ड्यूटी है कि वो उसी सेम कैपेसिटी में इलेक्ट करे, अगर उसे एक्सेप्ट करना है तो कंप्लीटली एक्सेप्ट करे, यानी उसके पास हाउस तभी जाएगा जब वो रेडी होगा टू ट्रांसफर हिज शॉप टू सी, तो वो कंप्लीटली या तो एक्सेप्ट करे या तो कंप्लीटली डिनाई कर दे। फिर कह रहा है मोड ऑफ इलेक्शन, या तो एक्सप्रेस या तो इंप्लाइड, यानी या तो बाय वर्ड्स वो कह दे यस आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द ऑफर, या तो लिखित में दे दे। तो ये क्या, ये तो एक्सप्रेस्ड है, इंप्लाइड क्या होता है, टू शो बाय एक्शन। जैसे मान लो ए ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी डीड के माध्यम से बी को, तो बी क्या कर रहा है, मान लो बी कुछ बोल नहीं रहा है, बस वो जो गिफ्ट डीड है उसे अपने पास रख ले रहा है। तो यानी यहां पे बी का एक्शन क्या शो कर रहा है, जैसे वो डीड लेकर के रख ले रहा है यानी एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो ये शो कर रहा है कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो मोड ऑफ इलेक्शन जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है बाय वर्ड्स या बाय एक्शन भी हो सकता है। फिर क्या कर रहा है, रिक्विजिशन टू इलेक्ट। देखो मान लो एक साल हो गया और ट्रांसफरी जो है वो ना तो हां कर रहा है ना तो ना कर रहा है, यानी ही इज नाइदर एक्सेप्टिंग द ऑफर नॉर रिजेक्टिंग द ऑफर। तो ऐसे कंडीशन में अगर एक साल हो जाता है तो जो ट्रांसफरर है वो एक नोटिस सर्व करेगा ट्रांसफरी को, और अगर उसके बाद भी ट्रांसफरी कुछ नहीं करता है, कुछ एक्शन नहीं लेता है, ना तो हां करता है ना तो ना करता है, तो मान लिया जाएगा कि ट्रांसफरी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। राइट, तो रिक्विजिशन नोटिस एक साल के बाद भेजेगा ट्रांसफर, यदि ट्रांसफरी ना तो हां कर रहा है या तो ना कर रहा है, मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं वो कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन। अब देखो सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन, मान लो जो ट्रांसफरी है he is not in position to elect या to make his choice, वो choice नहीं कर पाने में he is not able to make his choice or he is not able to elect because of any disabilities or because of any reason। तो ऐसे condition में जब तक वो सही नहीं हो जाता, यानी जब तक वो election के लिए ready नहीं हो जाता पूरी तरह से, तब तक ये जो election है इसका जो time period है वो क्या होगा, suspended, it becomes suspended। तो suspension of election होगा कब, जब ट्रांसफरी डिसेबल्ड हो जाएगा और नॉट इन पोजीशन टू गिव हिज चॉइस कि वो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। ठीक, फिर कह रहा है राइट ऑफ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। देखो सेक्शन 35 डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को कुछ रीजनेबल कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड करता है, इसे अभी हम समझेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के क्या क्या फीचर्स हैं, देखो पहला कह रहा है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये इक्विटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दूसरा इट अप्लाइज टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, ये सभी प्रकार के प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेबल है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अप्लाइज ऑन ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन पे एप्लीकेबल है। और इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट विदर डीड और विल। तो ये इसके चार क्या हैं, फीचर्स हैं, आप लिख सकते हो एग्जाम। अब देखिए अब आता है आपका राइट ऑफ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर, इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कुछ अलग, जैसे मान लो ए जो है वो बी को 50 लाख रुपए एज ए गिफ्ट डीड देता है। ठीक है, बी के पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है,
बी को कहता है कि आपको आपके इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है सी को, ठीक है। तो यहां पे देखो ट्रांसफरर कौन है, ट्रांसफरर है ए, राइट। अगर आप देखोगे तो बी ट्रांसफरी है, साथ साथ में क्या है ओनर भी है, और सी कौन है, सी है ट्रांसफरी जो कि सेकेंड ट्रांसफरी है, ही इज दिस सेकेंड ट्रांसफरी। और हमने जाना कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में दो ट्रांसफरी होते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है ए जो है वो 50 लाख रुपए का गिफ्ट डीड दे रहा है बी को, और उस सेम डीड में बी से कह रहा है कि आपकी ये जो प्रॉपर्टी है ये इस प्रॉपर्टी को आपको सी को ट्रांसफर करना है, ठीक। अब देखो यहां पे देखो हमने जाना कि ट्रांसफर इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ट्रांसफर जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो 50 लाख रुपीज था ये सी ने किसको दिया था, ए को दिया था, और ए एज ए एजेंट एज अ मीडिएटर काम कर रहा था सी के लिए, और ए ने प्रॉमिस किया था सी को कि जो बी का प्रॉपर्टी है वो मैं आपको ट्रांसफर करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा अब मान लो क्योंकि सी तो इस होप में था कि जो 50 लाख रुपीज मैंने ए को दिया है इस होप से कि वो बी का प्रॉपर्टी मुझे दिलवा देगा, अब मान लो बी ने इस ऑफर को कंप्लीटली डिनाई कर दिया, ठीक है, और ये कहता है नहीं मेरा प्रॉपर्टी जो है वो मेरे पास ही रहेगा, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रांसफर माय प्रॉपर्टी एनी वे टू एनी थर्ड पर्सन, यानी बी ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब देखो अब यहां पे जो सी था वो इस सेकेंड ट्रांसफरी, ये क्या हो गया, ये डिसअपॉइंट हो गया, ये निराश हो गया, तो ही विल बी कॉल्ड एज डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, इसे हम क्या कहेंगे, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी कहेंगे, क्योंकि इसके होप पर पानी फिर गया क्योंकि बी ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब हमने देखा फीचर्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में कि इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यानी ये इक्विटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यानी ये जस्टिस में बिलीव करता है ये प्रिंसिपल। तो सेक्शन 35 कहता है कि कुछ रीजनेबल कॉम्पनसेशन देना होगा डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को, ठीक है, उसे हम समझते हैं। देखो अब कहता है तो यानी सेक्शन 35 में डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है, इसलिए यहां पे डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को रीजनेबल कॉम्पनसेशन देने के लिए बात किया जाता है। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि इसे कितना कॉम्पनसेशन देना है उसे हम अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। अब देखो दो कंडीशन हो सकते हैं, पहला दूसरा, तो चलिए हम बात करते हैं अब राइट ऑफ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी के बारे में। देखो कह रहे जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को जो कॉम्पनसेशन है वो एक ही कंडीशन में मिलेगा, जब ट्रांसफर क्या हो, व्हेन ट्रांसफर इज मेड विद कंसिडरेशन, जब ट्रांसफर कंसिडरेशन के तौर पर किया गया हो, जैसे मान लो कह रहा है इफ ट्रांसफर इज ग्रेचुटिस, यदि मान लो जो ट्रांसफर है वो क्या है ग्रेचुटिस है यानी विदाउट कंसिडरेशन, कॉन्सिडरेशन क्या है आपने समझा होगा जब आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, उसमें सेक्शन 2D कॉन्सिडरेशन के बारे में बात करता है। तो कहीं ना कहीं कॉन्सिडरेशन क्या है, इट इज टू वे ट्रांजैक्शन, यानी अगर आप किसी पर्सन को कोई चीज दे रहे हो तो उसके बदले में कोई चीज आप उससे ले रहे हो, ठीक है, जैसे बाइंग एंड सेलिंग हो गया तो वो क्या है कॉन्सिडरेशन। अब मान लो कह रहा है अगर जो ट्रांसफर है वो ग्रेटुइटस है यानी ऐच्छिक है और वो क्या है विदाउट कंसिडरेशन, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करूंगा इस पर्सन को, बदले में उससे कुछ लूंगा नहीं, इट इज व्हाट, इट इज विदाउट कंसिडरेशन। तो अगर ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन है ऐसे कंडीशन में, अगर मान लो जो ट्रांसफरर है, अगर ट्रांसफरर प्रायर टू इलेक्शन ट्रांसफरी के इलेक्शन करने से पहले ही मर जाता है या इनकैपेबल हो जाता है, ऐसे कंडीशन में जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है He is not having right to claim for the compensation amount. उसके पास ये right नहीं होता है कि वो compensation के लिए claim करे।
यानी अगर ट्रांसफर क्या है विदाउट कंसिडरेशन है, वन साइडेड है, ऐसे कंडीशन में जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है वो क्लेम नहीं कर सकता है कॉम्पनसेशन के अमाउंट को। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब मान लो दूसरा कह रहा है ट्रांसफर मेड विद कंसिडरेशन, ट्रांसफर मेड विद कंसिडरेशन, तो इफ ट्रांसफर मेड विद कंसिडरेशन इन दैट केस डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी विल गेट रीजनेबल कॉम्पनसेशन। तो यदि जो ट्रांसफर है वो क्या है, इट इज मेड विद कंसिडरेशन, जैसे कि इस एग्जांपल में जो ट्रांसफरी है उसको आप देखोगे 50 लाख रुपीज दिया जा रहा है और इसके बदले में बी क्या कर रहा है, अपने प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफर कर रहा है। इट इज व्हाट, इट इज टू वे ट्रांजैक्शन, इट इज टू साइडेड ट्रांजैक्शन मेड विद कंसिडरेशन। तो ऐसे कंडीशन में मान लो ट्रांसफरी डिनाई कर देता है ऑफर को, तो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब कह रहा देखो ऐसे कंडीशन में उसे कौन कॉम्पनसेशन देगा, यहां पे कह रहा है ट्रांसफरर इज लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन। ये जो ट्रांसफरर है ही इज लाइबल, वो लाइबल है कि वो कॉम्पनसेशन दे डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को। इनकेस ट्रांसफरी हैज रिजेक्टेड द ऑफर, यदि ट्रांसफरी ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। अब कह रहा है इनकेस ट्रांसफरर इज नॉट अलाइव, अब ये भी हो सकता है कि ट्रांसफरर जो है वो अलाइव नहीं है। तो यदि जो ट्रांजेक्शन है वो विद कंसिडरेशन है और यदि ट्रांसफरर अलाइव नहीं भी है, तो ऐसे कंडीशन में ट्रांसफरर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, लीगल हायर्स विल पे द कॉम्पनसेशन अमाउंट टू डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। क्लियर। चलिए अब नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन विल हियर अराइज कि कितना कॉम्पनसेशन अमाउंट दिया जाएगा। अब देखो कह रहा है कॉम्पनसेशन अमाउंट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विच वॉज टू बी ट्रांसफर्ड बट नॉट ट्रांसफर्ड एज ट्रांसफरी रिजेक्टेड द ऑफर। जैसे मान लो इस एग्जांपल में हम समझते हैं और आपके बेरक में सुल्तानपुर फॉर्म करके इलस्ट्रेशन दिया है, आप उसे भी देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। यहां पे हम इस एग्जांपल से कॉम्पनसेशन अमाउंट कितना मिलेगा डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को उसे समझ लेते हैं। जैसे मान लो इस प्रॉपर्टी का वैल्यू था 30 लाख रुपीज। ऑलराइट, अब ए ने लालच दिया था बी को 50 लाख रुपीज दिया था ताकि बी तुरंत रेडी हो जाए और अपने प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफर कर दे। रियल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 30 लाख रुपीज, तो जो कॉम्पनसेशन अमाउंट दिया जाएगा वो उस प्रॉपर्टी जो कि ट्रांसफर होना था डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को, उस प्रॉपर्टी के रियल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। यानी यहां पे जो ट्रांसफरर है अगर वो जिंदा है तब तो ठीक है, उसे 30 लाख रुपीज देना है डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को। यदि ये जिंदा नहीं है और इट इज एंड इट इज मेड विद कंसिडरेशन, तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव 30 लाख रुपीज देंगे किसको, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को। ऑलराइट, ओके, तो कॉम्पनसेशन अमाउंट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विच वॉज टू बी ट्रांसफर्ड टू डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, बट चूंकि ट्रांसफरी ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया है तो इसलिए जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट होगा वो उस प्रॉपर्टी जो कि ट्रांसफर होना था डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को उसके बराबर का अमाउंट एज अ कॉम्पनसेशन उसे मिलेगा। कौन देगा, ट्रांसफर देगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसके एक्सेप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेगा विद नोट्स विद एग्जांपल्स और केस लॉस के तहत जैसे बताने की कोशिश की जा रही है। आप एग्जाम में अगर इन्हीं सारे पॉइंट्स को लिखते हो तो एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं एंड दिस चैनल इज गोइंग टू गिव यू ऑल दिस फैसिलिटीज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। चलिए हम इसके एक्सेप्शन को समझ लेते हैं। देन कह रहे हैं इफ टू बेनिफिट्स हैड बीन कन्फर्ड ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन सेम ट्रांजेक्शन। अब जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि ए क्या था, ट्रांसफरर था, कितना रुपए दे रहा था, 50 लाख रुपीज दे रहा था, किसको दे रहा था, बी को दे रहा था, बी कौन था, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी था। और इस सेम गिफ्ट डीड में ए क्या कह रहा था,
बी से कह रहा था कि तुम्हें सी को ट्रांसफर करना है, आस्क बी टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू सी, ठीक है। चलो अब कह रहा है एक्सेप्शन जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। कह रहा मान लो इफ टू बेनिफिट हैज बीन कन्फर्ड ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मान लो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी यानी बी को हम दो बेनिफिट देते हैं, यानी ट्रांसफर दो बेनिफिट दे रहा है ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को इन सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है। एंड वन बेनिफिट इज एक्सप्रेस टू बी इन लियू ऑफ सच ट्रांसफर। अब जैसे मान लो ट्रांसफर जो है दो बेनिफिट दे रहा है और कह रहा है कि एक बेनिफिट जो है आपको वो अगर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो तो उसके प्लेस पे ही ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। अब कह रहा है देन ओनली दैट प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू द ट्रांसफरर इन केस ट्रांसफरर रिजेक्ट्स द डील। तो कह रहा है कि जिस बेनिफिट को उसने दिया था कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो सी को तो ही ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अब बेनिफिट तो दो थे लेकिन इसने कहा था कि अगर तुम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो सी को तो यही बेनिफिट तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो अगर मान लो इसने जो है यानी ट्रांसफरर ने जो है डील को रिजेक्ट कर दिया, अब इसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो ए गिफ्ट कर रहा था 50 लाख रुपए बी को और बी वॉज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर हिज हाउस टू सी। अब देखो कह रहे ए पहला बेनिफिट ट्रांसफरर ये दे रहा था कि 50 लाख तुमको मिलेंगे, किसको बी को मिलेंगे पहला बेनिफिट ये, एंड बी रिक्वायर्स टू ट्रांसफर हिज हाउस टू सी, ठीक है। ए इज प्रोवाइडिंग टू गिफ्ट्स, ए जो है दो गिफ्ट दे रहा था, एक 50 लाख रुपए और दूसरा कह रहा था कि हाउस, एक तुम्हें हाउस में दूंगा, ठीक है, इन प्लेस ऑफ बी इज हाउस विच इज टू बी ट्रांसफर टू सी हाउस। और कह रहा था ये जो हाउस है ये मैं तुमको इस वजह से दे रहा हूं या इस प्लेस पे दे रहा हूं कि तुमको जो अपना हाउस है वो किसको देना है सी को देना है। अब देखो दो बेनिफिट है, एक तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दे रहा हूं, ठीक है पहला बेनिफिट, और दूसरा मैं कह रहा हूं कि देखो ये जो मैं अपना हाउस तुमको दे रहा हूं ये मैं तुमको इसके बदले में दे रहा हूं कि तुम्हें अपना जो प्रॉपर्टी है वो सी को ट्रांसफर करना है। इनकेस मान लो बी इस डील को रिजेक्ट कर देता है एंड ही इज नॉट रेडी टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी, तो कह रहा है कि वन बेनिफिट इज एक्सप्रेस टू बी इन लियू ऑफ सच ट्रांसफर देन ओनली दैट प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू ट्रांसफर इन केस ट्रांसफरी रिजेक्ट्स द डील। तुम्हारा ट्रांसफरी ने डील को रिजेक्ट कर दिया यानी कह रहा कि मैं अपने हाउस को ट्रांसफर नहीं करूंगा, तो इसके बदले में उसने क्या कहा था कि ये प्रॉपर्टी तुमको जाएगी यदि तुम अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो सी को, तो मैंने मना कर दिया, तो यानी अब ये प्रॉपर्टी जो है मेरे पास नहीं आएगी, ट्रांसफरी के पास नहीं आएगी, लेकिन ये जो 50 लाख रुपए है वो ट्रांसफरी के पास चला जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि देयर वॉज टू बेनिफिट कंसर्न और एक बेनिफिट जो था वो अटैच था इन प्लेस ऑफ अदर ट्रांसफर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये था एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। आई होप इस वीडियो में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने पूरी कोशिश की आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाने की। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें।